विद्युत सप्लाई बंद होने पर उनकी टीम ने पावर सप्लाई हाउस पहुंची, जहां पर सब इंजीनियर शेखर जाटव से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नगर पंचायत तरीजर के कला को मौखिक लिखित रूप से पत्रों के माध्यम से अवगत करा दिया गया है, जिन्होंने मुझे तत्काल पानी निकलवाने का आश्वासन दिया है। इसे सुधार पवाने के लिए आश्वासन भी दिया गया है, पर आज तक कहीं भी सुधार नहीं किया गया। पावर हाउस में जो पानी भर रहा है उसके लिए हमने मशीन जो है ढुलवाई है, मशीन हमें जो है हमने मौलाजी को गए हैं, केवाड़ी गए हैं, मालूम किया है उसको। जैसे ही मशीन मिल जाती है हमें उसमें नीचे से छेद होना है, किसी को गला हुआ है और किसी रोड के अंदर से उस पर छेद होकर के पाइप डालना है, तो जल्द से जल्द सीधे से सीधे हम उस पर पाइप डलवा सकते हैं। जैसे ही मशीन मिली हमें वैसे ही हम उसको पाइप डलवा के पानी निकाल लेंगे और हमेशा के लिए वो समस्या दूर हो। सर जैसे आप लोग इतना समय लगा रहे हैं, इसका ग्रामीणों को खामियाजा होगा? नहीं लगा रहे, समय से तो मशीन न मिलने के कारण जो है समय लग रहा है, तो मशीन न मिलने के कारण लग रहा है, समय हम नहीं लगा रहे। हम तो आज मशीन मिल जाए तो आज ही उसको कर देंगे पूरा, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। सर जो पावर हाउस में पानी भरा है इसमें क्या है पूरा मामला? इसके लिए अपन ने सीएमओ साहब को भी लेटर लिखा है कि हमारे यहाँ जो पाइपलाइन डली थी रोड जब डला स्टार्टिंग में उसमें एक पाइप टीडी क्रॉसिंग में डाल दें तो पावर हाउस में पानी नहीं भराएगा। अपने सीएमओ साहब को एक बार बताया, मौखिक बताया, पत्र के माध्यम से बताया, तो उन्होंने कहा कार्रवाई कर रहे हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। आपने कितने दिन पहले उनको लेटर लिखा? ये करीबन एक सप्ताह पहले उनको सूचित किया गया था। ये पानी भरने से कहाँ कहाँ की विद्युत सप्लाई ठप? पूरा तरीचर सब पूरे गांव में विद्युत सप्लाई बाधित रहती, उसमें रिस्क भी रहता है ऑपरेटर को, करंट लगने का डर भी रहता है। सर जानकारी मिली थी कि किसी की ऑपरेटर को करंट लगा था? हाँ, बीच में स्टाफ को हमारे थोड़ा अर्थिंग की वजह से पानी भरा हुआ था पूरे पावर हाउस की वजह से, हल्का सा अर्थिंग मिला और फिर उसको हल्का सा करंट लग गया था। उस दिन थोड़ा सा मतलब रिस्की मामला था, उस दिन भी हमने उनको बताया कि सीओ साहब से कहा कि सर ये थोड़ा देख लीजिए, करवा दीजिए, पर अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।